हेलो एवरीवन, आज की हमारी जो क्विज़ है वो होगी उत्तराखंड राज्य के डिग्री कॉलेज प्रवक्ता जीडीसी परीक्षा 2018 समाजशास्त्र के एग्ज़ाम पेपर में से। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसकी वीडियो फॉर द रिवीजन। इसकी पीडीएफ या फ़ोटोज़ इस पेपर के टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दिए जाएंगे और आपको रिवीजन आप यहाँ से कर सकते हैं अगर चाहे तो। स्टार्ट करते हैं। सामाजिक संरचना को संस्थागत व्यवस्था तथा क्षेत्र के संदर्भ में किसने परिभाषित किया? आंसर है गर्थ एवं मिल्स। नेक्स्ट है डेथ ऑफ द फैमिली, ये किसकी बुक है? ये डी कपूर द्वारा लिखी गई पुस्तक है। पिग मेलियन वाक्यांश किसकी रचना से लिया गया है? तो ये बर्नर्ड शॉ, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ की रचना से लिया गया है पिग्मेलियन। नेक्स्ट है इसका मतलब क्या होता है, जैसे नया सा क्वेश्चन है तो इसको हम व्याख्या इसकी देख लेते हैं। पिग्मेलियन प्रभाव उस घटना को संदर्भित करता है, उस घटना के बारे में बताता है जिसमें लोगों की अपेक्षा जितनी अधिक होती है, जैसे बच्चे, छात्र या कर्मचारी। तो वापस आते हैं कि लोगों की अपेक्षा जितनी अधिक होती है वे उतना बेहतर प्रदर्शन करते हैं। पिग्मेलियन प्रभाव आत्म भविष्यवाणी की भविष्यवाणी का एक रूप है। समाजशास्त्र के भीतर प्रभाव को अक्सर शिक्षा और सामाजिक वर्ग के संबंध में उद्धृत किया गया है। मतलब सीधा सीधा है इसका कि जो आप ठान लेते हैं उसको कर छोड़ते हैं, कि आपने जो दृढ़ निश्चय कर लिया वो कर लिया, उसको करके छोड़ोगे। इसका मीन्स ये यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजी निकाला गया है पिग्मेलियन। आगे बढ़ते हैं। नातेदारी को वर्णात्मक तथा वर्णात्मक के रूप में किसने वर्गीकृत किया? तो इसका आंसर है मार्गन। नेक्स्ट आता है शिल्प की मूल प्रवृत्ति तथा लाभ की प्रेरणा में किसने अंतर किया? आंसर वेबलन। नेक्स्ट है कारण कथन है, अभिकथन, निकटा, अभिगमन, निषेध सार्वभौमिक रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, दूसरा निकटाभिमन निषेध का कारण निकट संबंधियों के बीच यौन संबंधों के लिए प्राकृतिक अरुचि का होना है। तो पहला सही है और दूसरा गलत है। फिर आता है कथन और कारण। समाजवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। सही है। नेक्स्ट है कारण, आर्थिक क्रिया का परम उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं होता। तो ये भी सही है। नेक्स्ट चलते हैं पेज नंबर 151, क्वेश्चन नंबर 8। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ, आंसर समाज का विज्ञान। फिर है प्राकृतिक विज्ञान एवं समाज विज्ञान की मुख्य शाखाएं हैं, आंसर विज्ञान की। नेक्स्ट आता है समाजशास्त्र का कौन सा उपागम सामाजिक व्यवस्था से संबंधित है? आंसर है प्रकार्यात्मक व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस से समाज मूलतः प्रकट होता है? आंसर है समाज मूलतः संबंधों से प्रकट होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक समाज की विशेषता नहीं है? तो समाज की एक विशेष उद्देश्य, समाज का जो है वो एक विशेष उद्देश्य नहीं होता, तो इसकी विशेषता नहीं है। समाज का एक विशेष उद्देश्य
नहीं होता बल्कि विशेष उद्देश्य समिति का होता है। नेक्स्ट है, समुदाय एक सबसे छोटा क्षेत्रीय समूह है जो सामाजिक जीवन के सभी पहलुओं को समाविष्ट कर सकता है, यह परिभाषा किंग्सले डेविस ने दी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक व्यवस्था की इकाइयां इंगित करता है? आंसर है डी, मतलब सभी क्रियाकर्ता और भूमिका की परिस्थिति। नेक्स्ट है, संस्कृति पर्यावरण का मानव निर्मित भाग है, ये किसने कहा है? ये कहा है हर्ष कोविस्ट ने। नेक्स्ट है, आत्म को शुद्ध रूप से सामाजिक प्रकृति का कौन मानता है? तो आंसर है जेएच मीड। नेक्स्ट आएगा स्पेस का, निम्नलिखित में से कौन सा औपचारिक नियंत्रण का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर होगा प्रथा, औपचारिक नियंत्रण का उदाहरण नहीं है, बाकी सैन्य शक्ति अधिनियम और कानून औपचारिक नियंत्रण के प्रकार हैं और जो प्रथा है वो हमारा अनौपचारिक है। पेज नंबर 152। अभिजातों के परिभ्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? आंसर है पेरेटो। नेक्स्ट है, पेरेटो की बुक द माइंड एंड सोसाइटी में। नेक्स्ट है, कौन सा सामाजिक परिवर्तन हमेशा मानव प्रसन्नता को इंगित करता है? आंसर आएगा प्रगति। एक वीडियो तो प्रगति, विकास, उद्विकास और परिवर्तन, इन पे भी अलग से बननी चाहिए। ये बहुत माइनर से डिफरेंस लेकर आते हैं लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित परिस्थिति का एक उदाहरण है? तो ये होता है वर्ग, जबकि जाति, गोत्र और बंधुत्व संगठन ये सब प्रदत्त परिस्थिति के उदाहरण है। नेक्स्ट है, भारत विद्या अध्ययन परिपेक्ष का अनुसरण कर भारतीय समाज का अध्ययन करने वाले निम्नलिखित में से कौन माने जाते हैं? तो ये लुईस डूमो और जीएस घुरिए। नेक्स्ट है, कौन मानते हैं कि सभी परिचय, प्रस्तुति, भविष्यवाणी इत्यादि अपने से बाहर कुछ चीज़ों पर निर्भर हैं? तो इसका आंसर है दरिदा ने ये सब कहा है, दरिदा। नेक्स्ट आता है, किसने आत्म का प्रस्तुतिकरण लिखी? तो इसमें आ जाएगा गॉफमैन। जब आत्मा अपने आप की बात करता है तो गॉफमैन स्वतः ही सामने आता है, तथा भूमिकाओं के अधिनियम की अवधारणा दी, तो ये होंगे गॉफमैन। नेक्स्ट है, थियोरेटिकल लॉजिक इन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक किसकी है? इसका आंसर आएगा जे अलेक्जेंडर, 1980 में ये प्रकाशित हुई। नेक्स्ट है, किन्हें संरचनावाद का सर्वाधिक प्रखर मार्क्सवादी कहा जाता है? तो ये है अल्थुजर को संरचनावाद का सर्वाधिक प्रखर मार्क्सवादी कहा जाता है, किसको? अल्थुजर को। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं, पेज नंबर 153। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड किसकी बुक है? 1976 में लिखी गई और प्रकाशित दूसरे सन में हुई। ये क्या है? ये इमाइल दुर्खिम द्वारा लिखी गई। किसका सिद्धांत है? जबकि 1976 कहीं भी इसका जो ये दिया हुआ है सन, ये कहीं नहीं देखने को मिलता। जो इसका द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड का सन आई थिंक 95 है, तो वही दिखाई देता है। नेक्स्ट है, किसने माना कि तर्क पागलपन की अंतिम भाषा है? तर्क पागलपन की अंतिम भाषा है, तो ये माना फूको ने।
रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड. According to Wikipedia, The Rules of Sociological Method is a book by Emil Durkheim, first published in 1895. किसका सिद्धांत विखंडनवाद के रूप में माना जाता है? तो ये हुआ जे दरिदा का. नेक्स्ट है, किसने माना कि तर्क पागलपन की अंतिम भाषा है? तो ये माना फूको ने. नेक्स्ट है, किसने आर्थिक निर्धारणवाद के संदर्भ में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? इसका आंसर आएगा मार्क्स, आर्थिक निर्धारणवाद. नेक्स्ट है, किसका नाम वर्ग संघर्ष से जुड़ा है? तो ये सभी जानते हैं मार्क्स का नाम वर्ग संघर्ष से जुड़ा है. यांत्रिकी एवं सावेवी एकता का विवेचन किसने किया? तो ये दुर्खीम ने किया. दुर्खीम आपको पता है काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है और ये एमए के सिलेबस में ही चल रहा है. दुर्खीम हुआ, मार्क्स हुआ, वेबर हुआ, मर्टन है, ये सभी एमए के सिलेबस में इस टाइम चल रहे हैं. नेक्स्ट आता है, समाजशास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है, किसने कहा? तथ्यों के अध्ययन के बाद किसने की? सोशल फैक्ट आपने पढ़ा होगा दुर्खीम का, तो ये दुर्खीम ने कहा. नेक्स्ट है, इमाइल दुर्खीम ने धर्म के अध्ययन में निम्नलिखित में से किस एक वर्गीकरण का प्रयोग किया? तो ये है पवित्र व लौकिक. नेक्स्ट आता है, मैक्स वेबर के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है? तो आंसर है अंतःक्रिया, जो है वो सामाजिक क्रिया का प्रकार नहीं है. नेक्स्ट है, मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के कितने प्रकारों का उल्लेख किया? तो आंसर है 4 सामाजिक क्रिया का उल्लेख किया, एक बुद्धिसंगत, भावनात्मक, मूल्यनात्मक और चौथी है परंपरा अनुगत. नेक्स्ट है पेज नंबर 154 पे है 36 क्वेश्चन नंबर, सत्ता को वैधानिक, परंपरागत तथा चमत्कारिक सत्ता से किसने वर्गीकृत किया? तो इसका भी आंसर होगा वेबर. नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन संदर्भ क्रिया ढांचा से संबंधित है? तो इसका आंसर है टॉलकॉट पार्सन्स. नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक स्तरीकरण का प्रकार्यात्मक सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो इसका आंसर होगा डेविस तथा मूर और पार्सन्स. नेक्स्ट आता है, टी पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के कितने प्रमुख प्रकारों का वर्णन किया है? तो टी पार्सन्स ने इसके सामाजिक संरचना के, ये लास्ट वाले एग्जाम में भी था जब हमने लास्ट वीडियो की थी, टी पार्सन्स ने सामाजिक संरचना के कितने प्रमुख प्रकारों का वर्गीकरण किया? तो 4 प्रकारों का. नेक्स्ट है, प्रत्याशित समाजीकरण का प्रत्यय विकसित किया किसने? आर के मर्टन ने. मर्टन पे भी कई सारे क्वेश्चंस आ गए. अब कौन प्रकार्यवादी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो यह है पीवी यंग, प्रकार्यात्मक सिद्धांत से वो संबंधित नहीं है. स्टडीज इन एथनोमैथोलॉजी, ये भी एमए का ही है. स्टडीज इन एथनोमैथोलॉजी किसकी है? बिल्कुल सिलेबस में दे रखा है, तो ये है एच गारफिंकल की. नेक्स्ट है, संदर्भ समूह को सकारात्मक नकारात्मक संदर्भ समूह में किसने वर्गीकृत किया? तो आंसर है फिर से मर्टन. नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया? तो इसका आंसर होगा A.R. देसाई. नेक्स्ट है, किसने आंदोलन का अध्ययन किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया? निम्नलिखित में से किसने आंदोलन का अध्ययन मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में किया? तो इसका आंसर होगा D.P. मुखर्जी. नेक्स्ट है पेज नंबर 155, पीजेंट नेशनलिस्ट ऑफ गुजरात विषय पर किसने लिखा? आंसर है डेविड हार्डीमैन. नेक्स्ट है 47 पे
क्वेश्चन नंबर, किसने कहा कि जाति मूलतः एक मानसिक दशा है? आंसर है श्रीनिवास ने, जबकि इसकी व्याख्या में क्या दिया है, भीमराव अंबेडकर के अनुसार जाति मूलतः एक मानसिक दशा है। तो इसका सही आंसर होगा डी के बजाय ए, ए इसका भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर होगा, जाति मूलतः एक मानसिक दशा है। तो ये कहा है भीमराव अंबेडकर ने। नेक्स्ट चलते हैं ए आर देसाई की राष्ट्रवाद की परिभाषा किससे प्रेरित है? तो इसका आंसर होगा एच कार से। नेक्स्ट है भारतीय जाति व्यवस्था में उर्वाधार व क्षेत्रज एकात्मकता की अवधारणा किसने दी? तो आंसर होगा इसका श्रीनिवास ने। नेक्स्ट आता है जीएस घुरिया के अनुसार जिस किसी को भी विशेष रूप से भारत का समाजशास्त्र का अध्ययन करना है उसके पास गहन अध्ययन होना चाहिए। इसका है आंसर सांस्कृतिक साहित्य का गहन अध्ययन किया हुआ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू घुरिए, कि अगर किसी को समाजशास्त्र पढ़ना है तो उसको पहले सांस्कृतिक साहित्य को जान लेना चाहिए तब वो समाजशास्त्र पढ़े। नेक्स्ट है इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट, ये पुस्तक भी एआर देसाई की है, ये पुस्तक एआर देसाई के इंडियाज पाथ ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट है किसने कहा कि भारत में सामाजिक स्तरीकरण पवित्रता तथा प्रदूषण पर आधारित है? आंसर है लुइस डूमो। नेक्स्ट है कौन सा परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि भारतीय समाज अद्वितीय है और भारतीय सामाजिक संस्थाओं को मूल कृतियों के द्वारा बेहतर समझा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा संरचनात्मक तथा प्रकार्यात्मक। नेक्स्ट है यह तर्क किसने दिया कि भारतीय समाज में परिवर्तन को उसकी परंपराओं के आधार द्वारा समझा जा सकता है? आंसर होगा डीपी मुखर्जी। नेक्स्ट है भारतीय संदर्भ में वोट बैंक की परिकल्पना किसने की? तो आंसर होगा इसका एमएन श्रीनिवास। नेक्स्ट है डेविड हार्डीमैन संबंधित है किससे? संरचनात्मक परिपेक्ष से। नेक्स्ट है पेज नंबर 156 पे क्या है देखते हैं। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड इट्स मॉडर्नाइजेशन पुस्तक किसकी है? ये है एससी दुबे की। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर होगा क्रांति। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन के नेता थे? तो ये आएगा रामास्वामी नायकर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक परिवर्तन संवर्धन आंदोलन है? तो इसका आंसर होगा सभी, जैसे महिला सुरक्षा साक्षरता आंदोलन, महिला मुक्ति आंदोलन, दलित आंदोलन, ये सभी के सभी एक परिवर्तन में सहयोगी हैं, परिवर्तन संवर्धन आंदोलन में। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन किस उग्र किसान आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया? तो इसका आंसर होगा तेलंगाना आंदोलन। नेक्स्ट है पीएच मान के अनुसार कौन वास्तव में एक खुफिया होता है? आंसर है इसका सहभागी अवलोकन। नेक्स्ट है 63 किसने कहा कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और अंतिम वैधता के लिए अंततः अवलोकन हेतु वापस लौटना पड़ता है? आंसर है गुडेम हार्ट ने कहा कि विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है और अंतिम वैधता के लिए अंततः अवलोकन हेतु उसे वापस लौटना होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से डाटे का कौन सा एक द्वितीयक स्रोत है? तो आंसर है इसका सरकारी रिपोर्ट। नेक्स्ट है निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य क्या होगा? आंसर है 20, जैसे 5, 15, 20, 10 और 50, इनके सबके बीच का माध्य क्या है? 20 है, तो 20 या 20 इसका माध्य होगा। नेक्स्ट है
किस एक को तथ्यों व सिद्धांतों के बीच की एक कड़ी माना गया है? तो यह है उपकल्पना। उपकल्पना को सिद्धांतों, तथ्यों तथा सिद्धांतों के बीच की कड़ी माना गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अनुसंधान की गणनात्मक पद्धति है? तो इसका आंसर है प्रश्नावली। सामाजिक अनुसंधान की गणनात्मक पद्धति जो है वो प्रश्नावली है। नेक्स्ट है विरले विरेलसन पद्धति 1954 प्रयोग की जाती है किसमें? अंतःवस्तु विश्लेषण में। नेक्स्ट है मैथोलॉजी, पेज नंबर चल रहा है 157। मैथोलॉजी इन सोशल रिसर्च डायलेमोज एंड प्रस्पेक्टिव्स के लेखक कौन हैं? इसका आंसर है पार्थ नाथ मुखर्जी। शोध पद्धति के अनुरूप में RRA का कब विकास हुआ? तो इसका आंसर है 1970 के दशक में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित आंकड़ों में मध्यिका ज्ञात कीजिए। तो मध्यिका अधिका 18। इसकी मध्यिका होगी 18। नेक्स्ट है मेथड्स इन सोशल रिसर्च के लेखक गुड्डे एम हार्ट हैं। नेक्स्ट है आगमन तथा निगमन तर्क क्या है? आंसर ज्ञान प्राप्त करने की एक पद्धति है। किसने कहा परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है? तो ये मर्डॉक ने कहा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने भारतीय संदर्भ में किसान आंदोलन का अध्ययन किया? तो ये है डीएन धनागरे। नेक्स्ट है पीली क्रांति किस से संबंधित है? तो ये तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। ये तिलहन उत्पादन कार्यक्रम में 23 राज्यों के 336 जिले शामिल हैं। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप भारत ने खाद्य तेलों और तिलहन उत्पादन में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की। नेक्स्ट है मनरेगा से आशय है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। ये 2005 में अधिनियम आया और इसे 2005 में ही पारित कर दिया गया। सितंबर 2005 में इसको पारित कर दिया गया। अब है कथन और कारण। विद्यालयों के छात्रों को आलोचनात्मक चिंतन के लिए समर्थ बनाना चाहिए। इसका कारण है विचारों की अविवेकी स्वीकृति मानसिक दास्ता के समान है। बिल्कुल सही है दोनों और सही व्याख्या है। नेक्स्ट है डी स्कूलिंग सोसाइटी इवान इलिच की है। नेक्स्ट है 1971 में बुजुर्वाकरण की उपकल्पना का परीक्षण किसने किया? आंसर है गोल्डथोर्प, लैकवुड, बेचोफर तथा प्लॉट। नेक्स्ट है अनुकूलन का अंतिम चरण सातवींकरण है किसने कहा? आंसर है पैटरसन ने। नेक्स्ट है किसके अनुसार स्वजातिवाद संघर्ष का प्रथम प्रमुख आधार है? आंसर है डेविड। वैश्विक व्यवस्था का आधुनिक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? डी वालस्टाइन। नेक्स्ट है पेज नंबर 160। क्वेश्चन नंबर 95। किसने कहा वास्तव में व्यक्ति की वर्ग स्थिति की उसकी बाजार स्थिति, वर्ग स्थिति ही उसकी बाजार स्थिति है? ये कहा
मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर के अनुसार वर्ग ऐसे व्यक्तियों का एक समूह है जिसकी समान वर्ग स्थिति होती है। ऐसे समूह के व्यक्तियों को समान जीवन अवसर प्राप्त होते हैं। मार्क्स से भिन्न वेबर ने वर्ग रचना में बाजार की भूमिका को रेखांकित किया। नेक्स्ट आता है सूची वन का सूची दो से मिलान। तो ये पुस्तकें सीडब्ल्यू मिल्स की वाइट कॉलर, दूसरा है डेविड लुकवर्ड द ब्लैक कॉडेट वर्कर, जी ब्रीफ की है प्रोलीटेरिएट, और जी डी एच कॉल की है स्टडीज इन क्लास स्ट्रक्चर। 97 एस सी दुबे ने अपनी कृति एन इंडियन विलेज हेतु किस गांव का अध्ययन किया? तो उन्होंने किया समीर पेट का। नेक्स्ट है श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक निम्नलिखित पुस्तक में से संस्कृतिकरण की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग कौन सी पुस्तक में किया? तो आंसर है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द क्रूस ऑफ साउथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी एस गुरिये की कृतियां कौन कौन सी है? तो जी एस गुरिये की बुक है सोशल ट्रेडिशन इन इंडिया 1968, इंडिया इंडियन साधुस 1953, गॉड्स एंड मैन 1962, रिलीजियस कॉन्शियसनेस 1965, इंडियन एकल्चरेशन 1977, वैदिक इंडिया 1979, द लीगेसी ऑफ रामायण 1979, कास्ट एंड रेस इन इंडिया 1932, कल्चर एंड सोसाइटी 1945। और एस ए दुबे की बुक है, क्योंकि इनमें ऑप्शन में दिया हुआ है तो उनके बारे में भी दिया गया है कि एस ए दुबे की पुस्तक ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया 1977, पीटर हॉल की पुस्तक सिटीज एंड सिविलाइजेशन 1998। अब है लास्ट क्वेश्चन, अवधारणाएं और समाजशास्त्रियों को मिलाया गया है, क्वेश्चन नंबर 100। सो सांस्कृतिक विविधता डीपी मुखर्जी की है, सामाजिक न्याय अंबेडकर का है, पवित्रता और प्रदूषण लुईस ड्यूमो का है, स्वाधीनता आंदोलन जो है वो ए आर देसाई का है। तो ये हुई आज की जो क्विज आएगी उसकी वीडियो रिवीजन वीडियो। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट में। अगर कुछ प्रॉब्लम हो या कुछ पूछना हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना हो तो टेलीग्राम ग्रुप का भी इसमें लिंक दे दिया जाएगा, जिसने ज्वाइन नहीं किया है वो कर लेना। ओके, ये आपके रेगुलर रिवीजन के लिए है। Goodbye.